नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन बैंक। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और हमारे साथ मोहित शर्मा जी मौजूद है फिलहाल दिल्ली से बाहर से। मोहित शर्मा, पता नहीं किसानों को संदेश दे रहे हैं कि आप भी दिल्ली आइए। मोहित जी, 26-27वां दिन है, कोई निष्कर्ष नहीं, अडिग है सरकार, क्या कहेंगे? किसान भी तो अडिग है, किसान और अडिग हो भी क्यों ना। आपने देश के किसान को हटाने के लिए भी आप अनंत प्रयास कर चुके हैं। देश के किसान सबसे पहली बात और सर्वप्रथम बात, जब आपसे कोई मिस्टेक हुई, पहले आपके प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आज ये बीजेपी के ही प्रधानमंत्री ये बात दिख गई, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। देश के प्रधानमंत्री होते तो पूरे देश के हित में सोचते हैं। प्रधानमंत्री तो देश के, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। आज ये अंबानी और अडानी के होने में लगे हुए हैं सर, आपकी नज़र में होंगे, हमारी नज़र में नहीं है। और आप जैसे पत्रकार जी, बनाया तो देश ने, उस बात में कोई दोहराए नहीं है। और कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री या अन्य दल के प्रधानमंत्री कोई देश में पहली बार नहीं बने, पहले भी प्रधानमंत्री बने और भी पार्टियों के बने, भाजपा के भी बने हैं, लेकिन इस तरीके का नेतृत्व कभी देश के अंदर नहीं हुआ। रमेश बिदूड़ी जैसे लोग देश के किसान के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप और हम बखूबी जानते हैं। एक बात मुझे बताइए, चलिए आप कहते हैं देश का किसान नहीं है, अगर एक आम नागरिक भी है तो उसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप? कौन सा संविधान, कौन सा लॉ आपको आज़ादी देता है इस बात के लिए कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप देश के किसान के लिए करें? ऐसा शब्द जो आप और हम बोल भी नहीं सकते कैमरे के सामने, और आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश के किसान के लिए कर दिया। आपको शर्म नहीं आती है क्या? आपको आपके माँ बाप ने इस तरीके के संस्कार दिए, जब एक नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो वो अपनी प्रजा को क्या सिखाएगा, ये सिखाएगा? आप किसानों के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, घर के अंदर ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग होता है आपके लिए जो आप देश के किसान के लिए कर रहे हैं? इतने किसानों के बलिदान के बाद शहीद हो गए, वो 30-30 से ज़्यादा जो संख्या चला गया, फिर भी लोग कहते हैं ये डुप्लीकेट लोग हैं, असली लोग तो खेत में काम कर रहे हैं, डुप्लीकेट किसान है। देखिए एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर इतना डुप्लीकेट किसान था मुझे तो नहीं पता थी। बीजेपी के आपने देखे होंगे डुप्लीकेट किसान, एक दिन धरना दिया और गायब हो गए, वो थे डुप्लीकेट किसान। ये डुप्लीकेट किसान दिख रहा है क्या आपको, जिसके ऊपर आपने देखा ठंडा पानी भी गिरा गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पत्थर कोबरा वायर्स तक का प्रयोग किया गया, आप इनको नकली किसान बता रहे हैं? नकली किसान आपके थे जो एक दिन प्रोटेस्ट करा और गायब हो गए, क्योंकि उनको जितने दिन का भाड़ा मिला उतने दिन के लिए आए भाड़े पर और फिर लापता हो गए, अब उनको तो ढूंढे से भी नहीं मिल रहे, वो कहाँ गए? आपको नज़र आ रहे हैं? वो नज़र आ रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं भी देख लेता हूँ कहाँ जाके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं भी मिल लेता हूँ। आखिर मैं भी तो पूछूं कि आप लोग इतना ही जानते हैं तो आप सारे किसानों को सेटिस्फाई करिए, आकर उन्हें समझाइए कि इस बिल में क्या कमियां हैं और क्या नहीं है। प्रधानमंत्री जो कक्ष में जा रहे हैं, गुरुद्वारा में जा रहे हैं, किसी सिखों से मिल रहे हैं, कैसे देखते हैं? गुरुद्वारे की आपने बात करी, ठीक है, गुरुद्वारे में अगर आप जाते हैं ना सर्दी के समय में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जूट का कारपेट बिछा होता है सर्दी में चलने के लिए, लेकिन ये देश है गांधी का, ठीक है, और गांधीवादी विचार तरीके से इन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री जी का विरोध किया। जब प्रधानमंत्री जी रकाबगंज गुरुद्वारे में गए तो जूट का कारपेट तक नहीं बिछा हुआ था, जहाँ प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में जाकर रेड कारपेट बिछा लेते हैं और लिट्टी चोखा खाने के लिए नीचे खाट के नीचे रेड कारपेट बिछा लेते हैं, लेकिन गुरुद्वारे के अंदर जूट का कारपेट तक नहीं बिछा हुआ था इनके लिए। मतलब प्रधानमंत्री का विरोध हुआ? बिल्कुल निश्चित तौर पर हुआ, और प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर, उन्होंने जो बड़े गुरुद्वारे के हेड होते हैं, उन्होंने क्या बोला पंजाबी में उनको समझ में भी नहीं आया, और वो भी उनका समर्थन करने में लग गए, तो आप अर्थ तो समझिए लोगों ने किस तरीके से विरोध करा। और आपको एक बात बताऊँ, ठीक है, धर्म आपको आज़ादी देता है हर जगह जाने की, आप मंदिर में भी जाइए, मस्जिद में भी जाइए, गुरुद्वारे में भी जाइए, चर्च में भी जाइए, और इससे पहले भी कई अन्य दल आए हैं, कई अन्य दलों की सरकार बनी है, लेकिन राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर जाना पहली बार मैंने देखा है। इससे पहले मैंने कई और राजनीतिक पार्टियों को देखा है, बीजेपी को पहले भी शासन चलाते हुए देखा है, उनका इतिहास पढ़ा है, लेकिन इस तरीके की, लेकिन वो तो कहते हैं ना कि 2022 तक आपकी आय दुगुनी हो जाएगी, तो फिर आप चीज़ों को समझ क्यों नहीं रहे? आपकी आय दुगुनी हो गई क्या ये बताइए? चलिए मुझे बताइए, आय दुगुनी कहाँ से होगी? ट्रेन को बेचने से ट्रेन दुगुनी हो जाएगी क्या? बैंक को ख़त्म कर देने से बैंक दुगने हो जाएंगे क्या? एयर इंडिया, BSNL, MTNL जैसी कंपनियों को बेचने से वो दुगनी हो जाएंगी क्या? आप तो सिर्फ उस टेलर की तरह हैं कि जिस टेलर से पजामा गलत कट किया गया वो कच्चे के फायदे गिनाने लग जाता है। वो हालत हो गई आज सेंटर गवर्नमेंट की कि गलत पजामा क्या कट गया वो कच्चे के फायदे गिना रहे हैं कि कच्चा पहनने से क्या क्या फायदे हैं। तो फिर इस कानून में अगर किसानों को फायदा नहीं तो फिर ये सारे के सारे नेता लंबी लंबी छोड़ने में माहिर हैं, ये लंबी लंबी छोड़ने में माहिर हैं, कभी अपनी बीवी छोड़ते हैं और कभी कांदार जाकर आतंकवादियों को छोड़ते हैं, ये इनका पुराना काम है, ये देश के अंदर लोगों को बांटने का, जाति धर्म कास्ट रिलीजन के नाम पे लोगों को बांटने का ये इनकी पुरानी आदत है। अगर आप देखें तो 10,281 किसान 2019 के अंदर मरे हैं, अगर आप इस आंकड़े को देखें तो प्रतिदिन मरने वाले किसानों की संख्या 8 है,
कभी सोचा है अपने दिल पे हाथ रखे कि इस देश के अंदर कोई उद्योगपति नहीं मरता, कोई व्यापारी नहीं मरता, किसान ही क्यों मरता है हर दिन? वो भी 8 किसान आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब इस देश से बड़े बड़े उद्योगपति विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे, मेहुल चौकसी जैसे लोग लाखों करोड़ों रुपया इस देश का ले जाकर फुर हो जाते हैं, उनको लेकर ना बैंक बोलता है और ना उनको लेकर प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देते हैं, ना गृहमंत्री देते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब देश का किसान बैंक से 10,000-15,000 रुपये उधार ले लेता है तो उसके ऊपर बैंक वाले कार्रवाई करते हैं, उसकी ज़मीन को कैप्चर कर लेते हैं, जिस कारण डिप्रेशन में आके देश का किसान आत्महत्या कर लेता है। हर एक व्यक्ति ये तो कह देता है कि किसान का कर्जा माफ़ कर देते हैं, हर एक व्यक्ति ये कह देता है किसान को सब्सिडी मिलती है। क्यों मिलती है किसान को सब्सिडी? क्योंकि इसलिए मिलती है कि जब उसके खेत में बारिश नहीं होती और उसकी फसल नहीं होती तो उसका घर और परिवार कैसे चलेगा? बैंक से लिया हुआ कर्जा वो कैसे चुकाएगा? उसके पास तो कोई और सुविधा नहीं है। आपके पास तो नरेंद्र मोदी जी, आपके भाजपा के अन्य नेताओं के पास अंबानी और अडानी की एजेंटगिरी करने का भी मौका है। और आज जो आप देश के अंदर देख रहे हैं ना, ये जवान को किसान से लड़ाया जा रहा है, किसान को जवान से लड़ाया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जो आप देखते हैं दिल्ली के अंदर DP, दिल्ली पुलिस, HP, हरियाणा पुलिस, PP, पंजाब पुलिस, ये जल्दी हटने वाला है। इसकी जगह आपको नजर आएगा AP, अंबानी पुलिस, अडानी पुलिस। ये ऐसे लोग हैं कि जल्द से जल्द देश का निजीकरण करने में लगे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने में लगे हैं। आज देश के अंदर कोई सरकारी संपत्ति नहीं बची, हर किसी चीज़ को नीलाम करने में लगे हुए हैं। आप देश के लिए सोचिए, देश के लोगों के लिए सोचिए। राजनीति करने के लिए मना नहीं है, राजनीति करिए, लेकिन किसानों को छोड़कर राजनीति करिए और देश के किसानों से माफ़ी मांगिए। वो तो कह रहे हैं किसान जो है वो राजनीति कर रही है, किसान जो है वो बहकावे में आ गई विपक्ष के राजनीति की वजह से। एक बात मुझे बताइए, देश का किसान अगर विपक्ष की इतनी बात मानता है तो आप सत्ता में कैसे मौजूद हैं? यानी आप गलत तरीके से सत्ता में आए हैं, आपने बेईमानी करी है, आप एक्सेप्ट करते हैं बेईमानी को? बताइए आप। क्योंकि अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं, अगर इलेक्शन में आप खड़े हों तो मैं आपको वोट दूंगा अगर मैं आपकी बात सुनता हूँ। तो अगर ये इतना सारे लोग बात सुनते हैं विपक्ष की तो विपक्ष को वोट क्यों नहीं दिया? यानी आपने कहीं ना कहीं दलाली करी है, बेईमानी करी है, चोरी करी है। और अगर आप चोरी को एक्सेप्ट करते हैं तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि विपक्ष की बातों में आया हुआ है देश का किसान। मोदी जी 2019 में तो किसानों ने ही वोट दिया ना, PM तो मोदी किसानों ने ही बनाया ना। देखिए ये बात तो खैर मैं सभी किसानों को आपको नहीं बता सकता कि किसानों ने, नहीं नहीं देखिए हमारे जितने प्रतिशत बनाया तो PM को ही है ना, बनाया तो मोदी को ही। देखिए प्रधानमंत्री बनाया है, निश्चित तौर पर बनाया, लेकिन इसलिए नहीं बनाया कि आप देश के किसान को ही परेशान करें। एक बात मुझे बताइए, आज से पहले आपने कभी किसी प्रधानमंत्री जी को किसी बिजनेसमैन के किसी भी चीज़ का प्रचार करते हुए देखा था? लेकिन आज देश के अंदर देखने को मिल रहा है। इनके कहने का मतलब आप ये देखिए कि ये अपनी मर्जी से देश बेच सकते हैं, लेकिन किसान अपनी मर्जी से फसल भी नहीं बेच सकता। क्या साबित हो रहा है? सरकार BJP की, अंबानी अडानी की है? निश्चित तौर पर अंबानी और अडानी की है, ये अंबानी और अडानी के ही प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में रह पाएगा अगर ये आगे आगे जाके प्राइवेटकरण हो गया सारा, उनके हाथों में दे दिया, आम आदमी किसान हो गया, आम आदमी कैसे फिर मैनेज करेगा इन सब? देखिए आप एक छोटी सी बात को समझिए, छोटे से एग्जांपल के तौर पर समझिए। आप गंगा जी से एक लोटा पानी भरते हैं, आपसे कोई पैसा लेता है? नहीं लेता ना। एक लोटा क्या, आप 1,000 बाल्टी भी भरेंगे तो आपसे कोई भी व्यक्ति किसी भी नदी से पानी भरने का पैसा नहीं लेता। लेकिन जब मुफ्त में मिलने वाला पानी, फ्री में मिलने वाला पानी मल्टीनेशनल कंपनी की नज़र में आया तो उसने उसको 10 रुपये लीटर बिस्तरी और किनले के तौर पर बेचना शुरू कर दिया, 20 रुपये लीटर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन अब आप सोचिए कि जब यही मंडियां, यही किसान का आलू उन बिजनेसमैन के हाथ में आएगा तो जो आलू आपको और हमें 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिलता है, वही आलू का दाम अगर 200 रुपये किलो और 300 रुपये किलो हो जाएगा तो आपको और मुझे दोनों को मजबूरी में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें पेट भरना है तो अनाज खाना पड़ेगा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं आपके आंदोलन को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही है, वो कह रही है कि चंद किसान वहाँ पे है, जबकि हकीकत यहाँ कुछ और है। देखिए मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, किताब में पढ़ा है, अपनी लॉ की स्टूडेंट्स की बुक्स में भी पढ़ा है कि जो ये हमारे देश की मीडिया है ये देश का चौथा स्तंभ है और इसका कार्य होता है देश के अंदर हकीकत को दिखाना, सच्चाई को दिखाना। लेकिन आज सारे के सारे चैनल अंबानी के, अडानी के, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के, पौने दो आँख वाले बाबा रामदेव के, इन लोगों के सारे चैनल हैं। ये लोग क्या करते हैं, 2,000 रुपये में अपने चैनलों पर बुलाते हैं लोगों को, कोई अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार बताता है, कोई अपने आप को प्रवक्ता बताता है, कोई अपने आप को राजनीतिक विशेषज्ञ बताता है और 2,000 रुपये लेकर एक मौलाना और एक पंडित को बिठाकर मौलाना पंडित को गाली देता है, पंडित मौलाना को गाली देता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का माहौल खराब करते हैं। तो सबसे पहले देश की न्यायपालिका को इस मीडिया के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। 40 से 50,000, 1,00,000 रुपये कमाने वाला
एक एंकर, एक पत्रकार कैसे ऑडी, मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी खरीद लेता है? क्या कभी इस बात की इनकम टैक्स जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इनकम टैक्स की रेट सिर्फ एक गरीब आदमी के घर पे या एक व्यक्ति विशेष के घर में ही पड़ सकती है? इन पत्रकारों के घर में इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ सकती। लेकिन यही पत्रकार जब कहते हैं कि किसान किसान लगते नहीं कपड़े से देखने, क्या उनको ये परेशानी है कि किसान अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं और खुद ऑडी से घूम रहे हैं? आप एक बात बताइए, आप ऑडी मर्सिडीज में घूमते हैं, आपसे तो कभी किसी ने प्रश्न नहीं खड़ा करा कि आप 40-50 हज़ार रुपये कमाते हैं और आपके पास करोड़ों रुपये की गाड़ी कैसे आई? आप इस बात का जवाब दीजिए ना। और आप तो ये भी नहीं बताते हैं कि आप एंकरिंग करते करते अपना कैसे खुद का स्टूडियो खोल लेते हैं। आखिर किसके किस फाइनेंसर का हाथ है आपके पीछे, जरा बताइए आप। आपका तो काम ही यही है, इस बात की भी तो जांच होनी चाहिए देश के अंदर, क्योंकि ये पत्रकार के भेष में देश के अंदर दंगाई है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का माहौल खराब करते हैं और देश के लोगों को आपस में लड़ाते हैं। जबकि देश के अंदर, और इनका जरा सा सूत्रों से पता चला है, सूत्र ढूंढते रहो कहाँ है सूत्र, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये तो कह देते हैं सूत्रों से पता चला है। आखिर आपके सूत्र कौन से हैं, जरा हमें भी तो बताइए, हमें भी तो पता चले वो सूत्र हैं कौन से। आप तो सूत्र कहकर सिर्फ अपनी बात से हाथ हटा लेते हैं लेकिन देश के अंदर दंगे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे मोहित शर्मा जो हमारे साथ बातचीत की है। फिलहाल हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोज में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।